नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारी इस बिल्कुल नई सीरीज में जिसका नाम है नब्ज विद डॉक्टर नूरानी। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, क्या कभी आपके या आपके किसी अपने के स्किन में रैशेस हो जाते हैं? रैशेस यानी रेड रैशेस, या आप कह सकते हैं कि लाल गोल चिकत्ते, उसमें खुजली होती हो या फिर जलन होती हो, अगर आप बाहर जाएं तो वो बढ़ जाती हो? अगर ऐसा होता है तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ये सोरायसिस के लक्षण हो सकते हैं। सोरायसिस यानी एक तरह की स्किन डिजीज। लेकिन आप परेशान मत होइए, क्योंकि इसका इलाज मुमकिन है, हम जो हैं और ये मुमकिन करेंगे होम्योपैथी के जाने माने डॉक्टर डॉक्टर नूरानी। डॉक्टर जाहिद नूरानी होम्योपैथी में पहली बार नब्ज से ट्रीटमेंट करने वाले वो मशहूर डॉक्टर हैं जिनके नब्ज के फन ने अब तक लाखों मरीजों की जिंदगी बदल दी है। कुदरती जड़ी बूटियों और ताजा रिसर्च के कॉम्बिनेशन से हर किस्म के मर्ज का इलाज करने वाले डॉक्टर नूरानी इकलौते ऐसे डॉक्टर हैं जिनके सामने मरीज को अपना मर्ज बताने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो खुद उसका मर्ज बताते हैं। इंटरनेट और फोन के जरिए भी नब्ज परीक्षण से इलाज करने वाले डॉक्टर नूरानी ने अब तक दुनिया भर में कितने ही ऐसे मरीजों को ठीक किया है जो लंबे समय से बीमार थे। डॉक्टर नूरानी, जो कि सिर्फ नब्ज देख के आपकी हर बीमारी का पता लगा लेते हैं, आपको अपना मर्ज बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ आपकी वाइब्रेशंस के जरिए वो ये पता लगा सकते हैं कि आपके शरीर में क्या उथल पथल चल रही है और उससे कैसे निपटा जा सकता है। तो आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर नूरानी का। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब। धन्यवाद तराइला जी। तो आज डॉक्टर नूरानी से हम जानेंगे कि कैसे स्किन डिजीज सोरायसिस से निपटा जा सकता है। अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स एंड ईमेल एड्रेस आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश कर रहे हैं। डॉक्टर नूरानी, सबसे पहले तो मैं आपसे यही सवाल करूँगी कि सोरायसिस आखिर है क्या? सोरायसिस एक प्रकार की ऐसी बीमारी है जिसका वर्ल्ड में इलाज बहुत नामुमकिन होता है। जी, जी। लोग परेशान होते रहते हैं, डॉक्टर से डॉक्टर चेंज होते रहते हैं, वो क्योर नहीं होता। लेकिन फिर वही बात आके नब्ज यानि नाड़ी परीक्षण, कुदरत, शास्त्र, नेचर, अवतार और नेचर की रिपेयरिंग। बिल्कुल, अगर आप उस फील्ड में आप जाएंगे तो कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। जी। क्योंकि जो अवतार किए गए, जो मालिक ने कह दिया, जो शास्त्रों में लिखा गया, वो परफेक्ट है। अगर आप फार्माकोलॉजी केमिकल उस तरफ चलते हैं तो आप इस तरीके से चले जी, लेकिन वहाँ क्योर नहीं हो सकते। इसलिए कि नेचर की रिपेयरिंग का पावर शास्त्रों के हिसाब से, अवतारों की जबान से और कलम से जड़ी ही कहा गया है। लेकिन ये जिसे आपने नर्व्स का भी जिक्र किया, तो उसके जरिए पता तो लगा लिया जाता है कि सोरायसिस की बीमारी है, ये होती किस वजह से है? इसलिए इस तरीके की जी, सोरायसिस का पता भी लगाने के लिए क्या होता है कि सोरायसिस की मेन कॉज होती है पसीने की जितनी ग्लैंड होती है ये ब्लॉक हो जाती है। अच्छा, अब अपन ने नर्व्स से पता किया कि क्या ओवर हीटिंग की वजह से ये हुआ है बॉडी में, क्या ठंडी तासीर है उससे हुआ है। अच्छा, क्या वजह है दोनों में से? जी जी। कि पसीने की ग्लैंड ब्लॉक हो गई। अब जब पसीने की ग्लैंड ब्लॉक होने लगती है तो क्या होता है कि वहां पे आपकी पपड़ी आ जाती है जी, फिर अपन उस पर सब लगाते हैं, फिर उखड़ जाती है, फिर आती है, ऐसे होल बॉडी के अंदर फैलता जाता है और आदमी ये सोचने लगता है कि अब इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है। जी जी। क्योंकि लास्ट स्टेज की दवा ये स्टेरॉइड वगैरह भी लोग यूज कर देते हैं, इसके बाद स्किन फटने लगती है और होल बॉडी में आती है, तो आदमी नर्वस हो जाता है और उसकी टेंडेंसी बदल जाती है। वो सोचने लगता है कि अब इसका तो सुसाइड की, कई पेशेंट तो मेरे पास ऐसे आया जो सुसाइड की बात सोचते थे और ये कहा कि लास्ट में ही हम आपके पास आए हैं, आप ठीक कीजिए। मैंने उनसे कहा मैं ठीक नहीं कर सकता, मैं बीचवान हूँ, मैं तुम्हें जड़ी दूंगा, रब से दुआ करूंगा, दवा देना मेरा काम है, डायग्नोस करना मेरा काम है, लेकिन मुझे भगवान का दर्जा मत दीजिए। भगवान जो करेगा वो अल्लाह करेगा, वो अलग बात है, ठीक वो करेगा जी। दवा देना मेरा काम है, ना आप मेरा घर चला सकते हैं ना मैं आपको ठीक कर सकता, ये मेरा है। और जब भी मैं नमाज पढ़ता हूँ तब लास्ट में यही दुआ करता हूँ कि मालिक मेरा काम दवा देना था, मैंने दे दिया, आप शिफा देना तेरा काम है। डॉक्टर साहब, यहाँ पे जैसे कि आपने ये बताया कि रैशेस हो जाते हैं और वो पपड़ी जमने लगती है धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हम इस चीज़ को मान सकते हैं कि शुरुआत में इग्नोर कर देते हैं, हल्की सी चिंग हुई, रैशेस हुए, चले गए, इस वजह से बीमारी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि लाइलाज। एक तो क्या होता है कि बीमारी जब स्टार्ट होती है तो हम नेचर में नहीं आते हैं,
हम केमिकल के सहारे बॉडी, और फिर वही बात आकर देखिए आप कि केमिकल से कोई भी बीमारी जड़ से ठीक नहीं हो सकती। आप थायराइड, शुगर, बीपी, अर्थराइटिस, एक डिसीज ऐसी बता दीजिए जो क्योर होती है। जब खाओ, जब ठीक जिंदगी भर खाओ, फिर साइड इफेक्ट होते हैं। तब ये चीज अगर आपके जो मान लीजिए कि एक जगह ये आपका स्पॉट हुआ है, आपने उसको सबसाइड किया, लेकिन वजह खत्म नहीं हुई है। बिल्कुल, वजह खत्म करने के लिए जबान पे जड़ी रखना पड़ेगी, फिर दूसरी जगह आया, तीसरी जगह, और जब बहुत लेट जड़ी में आते हैं तो फिर समय लगता है और हमें भी परेशानी होती है और पेशेंट को भी होती है। यानी इसका इलाज आप पहले कि मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। अगर आपने जबान पे जड़ी रखी, पसीने की ग्लैंड खुद खुलेगी, जब वो खुलेगी तो ल्यूब्रिकेशन जब आने लगेगा तो आर्टिफिशियल की क्या जरूरत है ल्यूब्रिकेशन की? जी, लेकिन आज तक यही सुना मैंने, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सोरासिस का इलाज जो है वो मिल भी नहीं पाता पूरी तरीके से। मुझे बताए ना, हम लोगों ने उसके ऊपर यही कह दिया, आज कोई भी जड़ी बूटी में भी आता है तो हम भी यही कहते हैं कि दूसरी लैंग्वेज ही बोलते हैं कि इसका इलाज नहीं है। थायराइड में आया, हम बोलते हैं इसका इलाज नहीं, हर चीज का इलाज हम बोलते हैं ही नहीं, खाते रहो। लेकिन जड़ी को समझने के लिए जो आज स्टूडेंट चाहिए वो नहीं है। जी जी। जो उसके ऊपर रिसर्च होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए स्टूडेंट भी निकल के यही काम करते हैं। तो अगर जैसे मैं कहता हूँ कि नब्ज का फन मैंने सीखा, इस तरीके से सीखे, नेचर को रिपेयर करने की ताकत उसमें पैदा करे, जवान पे जड़ी रखे, खुद नेचर काम करेगा। आप मान लीजिए पसीने की ग्लैंड, अगर कई बार पेशेंट आता है उसको खूब सर्दी ब्लॉक है तो भी ये ठंडी में सोराइसिस बहुत होता है। अच्छा। क्योंकि स्किन ड्राई होने लगती है। बिल्कुल, बिल्कुल। और वो सर्द का पेशेंट है तो जल्दी ज्यादा उभरता है। कोई गर्मी प्रकृति का पेशेंट है तो उसकी पसीने की ग्लैंड बन गई, तो उसकी हीट इतनी है बॉडी में कि जब वो गर्मी खूब बढ़ती है और जब गोप गर्मी बढ़ती है तो उसको सोराइसिस खूब उभरने लगता है। बिल्कुल। तो अलग अलग प्रकृति को मिलाना पड़ता है। और डेफिनेट सोराइसिस क्योर होता है अगर वो देर से आया है तो साल भर, और अगर पहले दिन आता है तो उसी दिन से इसकी रिपेयरिंग शुरू। डॉक्टर साहब, यहाँ सोरायसिस की जैसे आपने बताया कि नब्ज देख के पता लगा लिया जाता है, इलाज भी इसका मुमकिन है, क्या इलाज फॉलो करना पड़ता है? क्योंकि स्किन की डिजीज है तो क्या किसी तरीके का लेप वगैरह भी लगाना पड़ता है? इसमें मैंने अपना पर्सनल नेचर से जी आपकी तासीर देखी तो मैं आपको लोशन खुद बना के दूंगा कि गर्म प्रकृति है, सर्द प्रकृति है, किस वजह से है, मतलब उसके लिए भी अलग, उसके लिए उसमें अलग अलग। तो वो आपको बना के मैंने दिया तो डेफिनेट आपकी पसीने की ग्लैंड खोलेगा। और खाने की मैंने जड़ी दी जी जी, जब मैं दूंगा तो जबान पे रखते ही नेचर खुद फंक्शन करने लगेगा। ठीक है। अब रही बात ये कि उसमें सबसे बड़ी चीज ये कि हमें ये देखना है कि गर्म प्रकृति का पेशेंट है तो उसके पेट में गर्मी नहीं होना चाहिए, मतलब कि कॉन्स्टिपेशन करने वाली चीज, आयरन की चीजें जो लेता है वो आयरन की चीज क्या होती है, पेट में कॉन्स्टिपेशन करती है और गर्मी बड़ी है ना, जैसे लोंग लिया, नॉनवेज ज्यादा ले रहा है या इन सब चीजों को जैसे लेता, तो उस वजह से अगर उसकी गर्मी पेट में है तो स्किन पे बाहर आती रहेगी। जी, जी, जी। तो उसको हमें उसको बंद करना चाहिए। हम बता देते हैं, लिमिटेड परहेजी होती है, सिर्फ होम्योपैथी में दो परहेजी है, कच्चा प्याज और कॉफी नहीं दे सकते हम, बाकी सब ले सकता है। अच्छा। तो पर पेशेंट की बीमारी के हिसाब से उसकी परहेजी जरूरी होती है। तो जैसे गर्म चीज नहीं खाना चाहिए सोरायसिस वालों। और सेकंड क्या होता है कि अगर मान लीजिए उसको कोल्ड प्रकृति है, ठंड में बढ़ने वाली, तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी चीज ठंडी बढ़ाती है। मान लीजिए सीताफल आपने खाया, पूरा ब्लॉक हो जाता है आदमी। जी जी जी। अगर कोई ठंडी चीज खाते हैं आप, कोई भी जो आपकी तासीर को, मान लीजिए कि कोई भी ठंडी चीज आप लेने से आपके शरीर में सर्दी बढ़ती है या ब्लॉक होती है, तो वो आम आदमी को मालूम है कि किस चीज से हमें सर्दी बढ़ती है, उससे उसको रोकना चाहिए। जी। हम उसको फाइंड आउट कर देते हैं कि तुम्हें ये सर्द से है, गर्म से, ये हमारी मेडिसिन, हम ये दवा दे रहे हैं और ये लेप है, आपको इन इन चीज से बचना चाहिए। अगर ले भी लेते हैं कभी कभार तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कच्चा प्याज कॉफी हमारी दवा की सख्त परहेजी होती है। अच्छा। यानी बाकी आप चीजें ले सकते हैं आराम से, कोई ज्यादा परहेजी नहीं है। डॉक्टर साहब, एक चीज़ मैंने जैसे शुरुआत में भी बोली थी, अक्सर ये शिकायत पाई गई है कि जिनको सोरायसिस हो जाता है बाहर जाने से थोड़ा और ज़्यादा फैल जाता है, क्या एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी ऐसे होते हैं जिसकी वजह से स्किन? देखिए, सोरायसिस का जहाँ तक सवाल है वो क्लाइमेट पे चलता है। जी जी। आपने ठंडा हो ज्यादा गए और ठंड का है तो वहाँ बढ़ जाएगा। जी जी। अगर आप गर्मी में गए तो गर्मी बढ़ जाएगा, लेकिन सोरायसिस एक मुकम्मल रहता है। जी जी। जो सीजन से ही बढ़ता है, लेकिन एनवायरमेंट वाली डिसीजें रहती है, वो फंगल इन्फेक्शन कह सकते हैं आप, डर्मेटाइटिस कह सकते हैं, खाने पीने से अर्टिकेरिया होता है, जिसको एलर्जिक अर्टिकेरिया कॉमन चल रहा है पब्लिक के बीच में, जिसमें लाल लाल चकत्ते हो जाते हैं और फिर वो चले जाते हैं, उसको हम लोग सबसाइड करते फिर आते हैं। जी जी। तो वैसी के लिए भी नेचर के अंदर जाके तासीर देख के ही आपको इलाज लेना है। तो वो सोराइसिस है, अर्टिकेरिया है, डर्मेटाइटिस है,
या फंगल इन्फेक्शन है, रिंगवर्म इन्फेक्शन है, क्या है वो हमें फाइंड आउट करने में आसानी हो जाती है। जी जी। और हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो उसकी नेचुरल प्रकृति में मिलाकर उसकी हम दवा देंगे, उसको लगाने की दवा बदल जाती है, वो देना पड़ेगी। अच्छा, सोरायसिस भी, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, लेकिन ये सवाल मेरे मन में आया कि ये भी अलग अलग तरीके के होते हैं? अलग अलग, सोरायसिस एक ही होता है जी, जो स्किन के ऊपर ड्राइनेस आती है जी, फिर उसकी पपड़ी उखड़ती है, फिर ड्राइनेस आती है और ज्यादा खुजली चलती है, ब्लड आ जाता है। अच्छा, और वो पूरी बॉडी में फैलता जाता है। लेकिन अर्टिकेरिया भी सेम होता है। अच्छा, दूसरी डिसीजें भी स्किन में सेम होती है, फाइंड आउट करना पड़ता है कि क्या है। कई बार फंगल इन्फेक्शन या रिंगवर्म इन्फेक्शन हो जाता है और उसको सोरायसिस घोषित कर देते हैं। अच्छा, कई बार ऐसा होता है, क्योंकि जब तक वो दिखने में सब एक जैसे हैं, सिम्टम्स एक जैसे हैं, तो उसको फाइंड आउट करना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी जी। तो ऐसे में हमें सोरायसिस है कि नहीं ये भी देखना पड़ता है। हाँ, तो हम नाड़ी नब्ज सब फाइंड आउट कर लेते हैं। अच्छा, कि क्या है, क्योंकि उसकी हमें वजह मालूम पड़े, मान लो पसीने ग्लैंड बंद होकर हुआ ये है, मान लो कोई धूल में जाता, भीड़ में जाता, डस्ट में जाता और उसको प्रॉब्लम आ रही है, अर्टिकेरिया है जिसको एलर्जी का अर्टिकेरिया, तो वो क्योरेबल है। कहने का मतलब ये है कि जड़ी में हर स्किन डिसीज क्योरेबल है। अगर आप समय पर आ गए तो तुरंत इलाज लीजिए, लेट आए तो थोड़ा सब्र कीजिए। जी, थोड़ा सब्र जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आपको पूरा संपूर्ण इलाज करना है तो उसके लिए आपको सब्र तो करना ही पड़ेगा। लेकिन आपके लिए सारे रास्ते खुले हैं, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप इसी तरीके की किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, या फिर होम्योपैथी से रिलेटेड आप कोई भी सवाल जानना चाहते हैं, डॉक्टर नूरानी से संपर्क करना चाहते हैं, तो हमारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। शॉप नंबर 10, सैयद मंजिल, SB रोड, नेक्स्ट टू जरीमरी मंदिर, अपोजिट बैंड्रा तालाब, बैंड्रा वेस्ट, मुंबई 400050। हर महीने 1-3 तारीख तक, सुबह 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक, 22C खंडवानी हाउस, फर्स्ट फ्लोर, दरगाह स्ट्रीट, माही वेस्ट, मुंबई। हर महीने 4-8 तारीख तक, समय 11:30 बजे से शाम 7:30 बजे तक। हमारा ईमेल है drzahid_noorani@yahoo.com। हमारी वेबसाइट है www.drznoorani-heartcare.com। हमारे फोन नंबर हैं 09820655845, 09967078659, 09302533737। डॉक्टर साहब, हमारे पास समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं चाहती हूँ कि जाते जाते आप हमें एक अच्छी सी टिप दें। अगर स्किन डिसीज बॉडी में कोई भी प्रकार की है तो आपको सबसे पहले रेगुलरिटी में शरीर को साफ रखना पड़ता है, डेली नहाना, अच्छे बिगर केमिकल वाले सॉप यूज़ करना चाहिए, खाने में परहेजी रखना चाहिए, जैसे ऑयली फूड ज़्यादा नहीं लेना चाहिए, खट्टे से बचना चाहिए, और रूटीन में साफ़ सफाई जिस्म की बहुत ज़रूरी है। और एक आपको मैं बताता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा, अगर आप सुबह उठ के और पानी पीजिए, खाली पेट अगर आपने पानी पिया और लाइक थोड़ा सा कुनकुना पानी, तो वो आपको वसा को छाट के, डाइजेशन को ठीक करके और स्किन के ऊपर बहुत कुछ फ़ायदा ला के दिखा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी टिप हमें दी है और सच में बहुत आसान सी भी है, रोज लोग कर सकते हैं इसको। बिल्कुल कर सकते हैं। और साथ ही आपने और भी बहुत अच्छी बातें हमें बताई सोरायसिस से रिलेटेड भी, और जो भी आपने हमें नॉलेज दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। दोस्तों, वाकई छोटी सी टिप्स हैं जिन्हें आप अगर अपनी ज़िंदगी में फॉलो करें तो आप बड़ी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। अपने शरीर को साफ रखें, जितना हो सके केमिकल से दूर रहें और जितना हो सके नेचर से जुड़ें। अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फ़िक्र है।